गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी आज का ब्लॉग मेरा इनसे शुरू होने वाला है। ये छोले भटूरे लेके आ रही है। ए मम्मी चाचा से बात कर रही है वीडियो कॉल पे। वीडियो कॉल दिखाना, आवाज ना आ रही है। ये छोले भटूरे डालेगी अब, फेमस हो जाओगे मेरे ब्लॉग में आके। ये देखिए छोटी बच्ची, पापा जी भी उठ के नहा धो के तैयार हो गए हैं। हाँ पजामा तैयार हो गया, पजामा देगी पापा जी को, लेडीज वाला। इसमें से वो डबल वाली वो दे देना। आज मम्मी की जगह इसने ले रखी है, नीचे बैठ के ये सबको खाने डाली है। जिसो ने गाड़ी तोड़ ली ऐसे। अब ये फूफा जी की चटनी आ गई, ये दूसरी चटनी आ गई। छोले भटूरे देने का कोई नाम नहीं है अभी तक। ये छोले भटूरे भी आ चुके। ये बाबा क्या आ गए जा रहा बड़ी बुआ के घर सुजल के साथ। तो बुआ फूफा जी भी जा रहे हैं अपने घर पे। और ये इसका घर अब खाली हो जाएगा पूरा। मम्मी भी निकल जाएंगे। कितने बजे आओगे मम्मी? अभी जाएंगे। निकाल रहा अपनी मतलब अपने नहीं, मैं तो बुआ के घर जाऊंगा फूफा जी के साथ। आज मेरे को गाँव में जाना है। बाय अनु, बाय बाय। जी घर पे तो आ गए यहाँ पे फुसकियात पे। अभी हम जाएंगे पहले क्लिनिक फुसकियात, शाम के टाइम शायद जाएं गाँव, शायद नहीं। फूफा जी कल बोल रहे थे वैसे जाएंगे। क्लिनिक पे पहुँच गए हैं फुसकियात पे। थोड़ी देर बाद यहाँ से हम निकलेंगे निकल रहे घर के लिए फुसकियात। खाना वाना खा के अपना फुसकियात में फूफा जी के साथ में गाँव के लिए निकलूँगा। तो आपको दिखाऊँगा पूरा गाँव। आ चुके हैं, बुआ बना दिए कड़ी। पप्पी वैसे बात कीजिए। तो अभी फूफा जी और मैं निकल रहे हैं गाँव के लिए। अब मम्मी बाबा भी आ गए यहाँ पे। तो अभी गांव के अंदर पहुंच चुके हैं हम। तो फूफा जी का जो मकान है यहाँ का, वहाँ पे मंदिर है, ये माता रानी है। और अभी ऊपर भी दिखाते हैं आपको ऊपर का मकान पूरा। तो दिखाता हूँ मैं आपको, ये नीचे का कमरा है एक यहाँ पे। एक कमरा ये रहा यहाँ पे, एक कमरा यहाँ पर भी है और एक कमरा यहाँ पर भी है, अंदर भी है कमरे घर का पूरा। एक इसके ऊपर भी है यहाँ से, यहाँ से दिखेगा पूरा भी। यहाँ से ये देखिए, अभी कुछ उगाया नहीं है खेतों में। ये खेत है यहाँ पे, अभी कुछ उगा हुआ नहीं है। यह मंदिर की चोटी है नीचे की। और सामने जीटी रोड है, हाईवे जिसको बोलते हैं, जो ट्रक चल रहे हैं। काफी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। फूफा जी ने गाँव से घी मंगवाया था क्योंकि अपने दिल्ली में तो कुछ भी और मिलता नहीं है, यहीं से लेना पड़ता है। ये एकदम प्योर देसी घी है। तो अभी गांव से हम घर के लिए निकल चुके हैं। हाईवे भी चल रहा है पूरा और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है आज। तो पहुंच गए बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। देखिए मेरे हाथ भी पूरे सुन पड़े हुए इस टाइम पे। फ्री का है और ये ब्लॉग देख रहे हैं।
किसका ब्लॉग देख रहे हो? पता ही ना, आलतू फालतू के ब्लॉग देख रही है वो। टिक्के बनाई है अभी चूल्हे पे, हम भी बनाएंगे ना चूल्हे पे। ठंडी हो गई, कंबल भी उड़ गया मैंने। तो मेरा खाना आ चुका है, कड़ी चावल और दो रोटी, बस इतना ही खाऊंगा मैं आज। फूफा जी तो अभी बाहर गए हैं और मैं गाने सुन के अपना टाइम पास कर रहा हूँ। मम्मी किचन के अंदर है, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था तो अब डोरेमोन देख रहा हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे पुरानी यादें ताज़ा होती जाती है। सर मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया था तो अभी पार्क में जा रहा थोड़ी देर घूमने के लिए। मम्मी सारा काम करके लेट गई है, मूवी देख रही है उत्तर कुमार की। तो अभी फ़िलहाल पूरा पार्क खाली पड़ा है, थोड़ी देर में पार्क के अंदर घूमता हूँ, फिर आगे जाऊँगा घर। तो अभी यहाँ पर सभी लोगों की सोने की तैयारी हो चुकी। बोलो कुछ, बोलो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तो गाइस व्लॉग को करते हैं एंड, आई होप आपसे लोगों को मैं व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहेंगे। तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।